हेलो एवरी वन वेरी वेलकम टू आई एग्जाम भी फॉर फिफ्टी परसेंट फास्टर प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम टाइम इज योस्ट प्रीशियस रिसोर्स और हम कर रहे हैं अभी वीडियो एट पहले के वीडियो जरूर देख लीजिए बिकॉज वी आर गोइंग इन सम सीक्वेंस एंड यू नो अगर आपको सीरियसली 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 कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालना है यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट एवरी मिस्टेक यू डू you have to study from the genuine resources to save your time and learn what to do what not to do have a good mentorship so that you make success ye question last time pucha tha who is responsible for deciding the eligibility criteria eligibility as per the fswm in UCBs? अभी कुछ लोग तो सोच रहे हैं FSWM एस डब्ल्यू एम क्या है क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम का वीडियो देखा नहीं है तो दोस्तों पहले वो देख लीजिए financially साउंड एंड वेल managed अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए ये क्राइटेरिया आरबीआई ने दिया हुआ है बट ये डिसाइड कौन करता है यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है आंसर मुश्किल इसीलिए हो जाता है कि आधे लोग कर आएंगे आर बी नहीं कर रहा है ये डिसीजन कर रहा है द रेस्पेक्टिव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बट ये कैसे करना है उसने आफ्टर टेकिंग इन टू कंसिडरेशन फाइंडिंग्स ऑफ द इंस्पेक्शन रिपोर्ट और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच एवर इज द लेटेस्ट बिकॉज आर बी आई ने अगर कुछ आई रैक नॉम के हिसाब से एंड इन द लास्ट वीडियो आई डिस्कस्ड वट आर द आई रैक नॉम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये भी तो इसके हिसाब से अगर कोई एनपी डिक्लेयर की है इनकम कम की है उसको अकॉर्डिंगली काउंट करके एज पर द आर बी आई क्राइटेरिया द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक विल टेल फाइनेंशियली साउंड वेल मैनेज है कि नहीं Which of the following bank continue to be identified as domestic systemically important banks? और साफ साफ लिखा है कंटिन्यू यानी कि अगर आपने पिछली बार भी पढ़ा था तभी भी आंसर वही आने वाला है क्योंकि बार बार ये इंपॉर्टेंट बैंक तो नहीं बदल रहे हैं आसानी से तो ये हैं आपके एस बी आई एस डी एफ सी बैंक एंड आई सी आई सी आई बैंक और आपको पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक क्या है बेसिकली बड़े बैंक हैं मतलब इसके लिए एक वर्ड बहुत बार यूज किया जाता है टू बिग टू फेल ये इतने बड़े बैंक हैं कि ये फेल नहीं होने चाहिए क्योंकि नहीं तो सिस्टेमिक रिस्क हो जाएगा दूसरे और बैंकों पर भी प्रेशर आ जाएगा तो द डी एस आई बी फ्रेमवर्क रिक्वायर्स आरबे टू डिस्क्लोज द नेम ऑफ बैंक डेजिग्नेटेड एज डी एस आई बी स्टार्टिंग फ्रॉम टू थाउजेंड फिफ्टीन एंड प्लेस दिज बैंक इन अप्रोप्रिएट बकेट डिपेंडिंग ऑन देयर सिस्टम इम्पोर्टेंट स्कोर अब ये एस आई एस बी एक चीज है यहां पर जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि आर बी आई इनको किस तरीके से स्कोर दे रहा है और ये बात यहां पर तो आप आर बी आई के ऑफिसर से ही सीख रहे हैं वट इज द एडिशनल कॉमन टीयर वन इक्विटी रिक्वायरमेंट एज परसेंटेज ऑफ द रिक एसेट फॉर एस बी आई अब जो सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक होने का फायदा है कि नुकसान आप ये प्रश्न उठेगा तो ये क्वेश्चन देख आपको समझ में आ जाना चाहिए कि फायदा नहीं है बल्कि इन बैंकों को एडिशनल एडिशनल एक्विटी मेंटेन करनी पड़ती है क्योंकि इन लोगों के इन बैंकों के फेलियर से पूरा सिस्टम हिल जाएगा तो वो एडिशनल रिक्वायरमेंट कितनी है एसबीआई के लिए ये इस प्रश्न में पूछा गया है आंसर है पॉइंट सिक्स लेकिन आपको खाली एस बी आई का पता होने से काम नहीं चलेगा आपको आईसीआई और एस डी एफ सी का भी पता होना चाहिए और यह भी पता होना चाहिए कि एडिशनल कॉमन टीयर वन इक्विटी रिक्वायरमेंट एज ए परसेंटेज ऑफ आरडब्ल्यू ए के लिए पांच बकेट्स बनाए गए हैं भाई एग्जाम में क्वेश्चन कौन सा आएगा मुझे नहीं मालूम मैंने आपको पहले भी बोला था मैं तीन सौ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं बट हर एक क्वेश्चन में पांच क्वेश्चन बन सकते हैं दस क्वेश्चन बन सकते हैं तो हम आराम से दो हजार तीन हजार क्वेश्चन तो डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें अगर आप देखेंगे इन पांच बकेट में इधर आया एस बी आई बकेट थ्री में जिसको पॉइंट सिक्स परसेंट एक्स्ट्रा करनी है और एच डी एफ सी और एस आईसी बैंक आते हैं बकेट वन में उनको पॉइंट टू परसेंट एक्स्ट्रा टी एर वन कैपिटल मैनेज करनी है यहाँ पे एंड ये हमने बात कर ली थी पिछले क्वेश्चन में अंडर द सेम बकेटिंग स्ट्रक्चर एज इट वॉज इन टू थाउजेंड एटीन को चेंज नहीं हुआ है डी एस आई बी फ्रेमवर्क रिक्वायर दरबीआई टू डिस्कलोज द नेम ऑफ दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड बेस्ड ऑन द बकेट एडिशनल कॉमन इक्विटी रिक्वायरमेंट हैज बी अप्लाई टू कई बार यह भी क्वेश्चन हो सकता है कि बकेटिंग करके होता क्या है तो अगला क्वेश्चन यह है कि आरबीआई का जो फ्रेमवर्क है फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन विच टेक प्लेस इन डिजिटल मोड द अपर लिमिट फॉर ऑफलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन वॉज फिक्सड कितना है अपर लिमिट एंड द टोटल लिमिट इज गिवन इन द क्वेश्चन इज टू थाउजेंड रुपीज तो उसी के बारे में एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की अपर लिमिट टोटल तो दो हजार रुपया है तो कितनी है ये एक ट्रांजेक्शन की लिमिट इसका सही उत्तर है दो सौ रुपया अपर लिमिट फॉर ऑफलाइन ट्रांजेक्शन ऑफलाइन का मतलब आप समझ रहे हैं ना जिसमें कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ पर ऐसी कोई डिवाइस से काम कर रहे हैं आप चाहे वो कार्ड हो चाहे वो वॉलेट हो चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो बहुत टाइप के इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हैं जो आपके ऑफलाइन भी काम करते हैं और उसको ऑफलाइन को कम्प्लीटली आर बी आई नकार नहीं रहा है बिकॉज मैनी टाइम एक्चुअली ऑफलाइन इज ए रिक्वायरमेंट ऑफलाइन की जरूरत भी पड़ती है क्योंकि कई बार ऐसा होता है जहाँ पर नेटवर्क नहीं है तो वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें काम आती हैं लेकिन रेस्ट्रिक्शन लगाया उसमें क्योंकि ऑफलाइन में क्या होगा तुरंत डेटा बैंक के सिस्टम में अपडेट नहीं होगा हुँ? तो यहाँ पर ये 200 और 2000 की रिक्वायरमेंट है एज पर द लेटेस्ट डेटा ऑफ द आर बी आई इंडिया फॉरन करेंसी रिजर्व एज ऑन मार्च थर्टी फर्स्ट ट्वेंटी थ्री और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन बोलूँगा मैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार हम हाई लेवल करते करते लो हैंगिंग फ्रूट छोड़ देते हैं तो ये आपको वो रिमाइंड कर रहा है लो हैंगिंग नहीं छोड़ना है ये रहा पूरा डिटेल फाइव सेवेंटी एट पॉइंट फोर फाइव आपको ये देखना है कि ये हमारा फॉरेक्स रिजर्व है और मूवमेंट आप देखते रहिए आजकल फॉरेक्स रिजर्व में क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व बहुत तेजी से चेंज हो रहा है किसी वीक में बढ़ जाता है कभी घट जाता है उसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो फॉरेक्स रिजर्व होता है इसके अंदर कंपोनेंट क्या है ये मैंने कई बार क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं कि इसमें क्या क्या कॉम्पोनेंट हैं मैं यहाँ पर रीड नहीं कर रहा हूँ बट अगर आप ये रीड कर लेंगे पॉज करके तो इसी के अंदर आपके फिर से पाँच क्वेश्चन बनने वाले हैं अगला क्वेश्चन आर बी आई हैज रिलीज नॉर्म्स फॉर एंटिटीज दैट हारनेस डेटा फ्रॉम क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी सी आई और क्रेडिट ब्यूरोज एज व नॉम कंपनीज नेटवर्थ मस्ट बी जो ये डेटा मांगेगी उस कंपनी की नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए मिनिमम ये आपको बताना है इसमें कंपेरेटिवली सिंपल क्वेश्चन है बट ना आए तो मुश्किल और यही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि सारे क्वेश्चन की तैयारी करके चलनी है तो ये है मिनिमम दो करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए जो कंपनी ये डेटा मांगेगी राइट मस्ट बी मिनिमम टू करोड़ एंड कंट्रोल बाय एन इंडियन रेजिडेंट आरबीआई और गवर्नमेंट डेटा को बाहर जाना नहीं देना चाहती है आरबीआई रिसेंटली एस्टेब्लिश अ सेपरेट इंटरनल डिपार्टमेंट फॉर फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी हु इज द न्यूली अपॉइंटेड हेड ऑफ द सेट डिपार्टमेंट अब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है तो इंटरनल होंगे आरबीआई के बट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फिनटेक आजकल बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है आंसर हो गया आपका श्री सुवेन्दुपति और ये देखिए आरबीआई की वेबसाइट पे क्लियरली ये मेंशन किया गया है अब एक और एडिशनल क्वेश्चन इस पे बनता है कि ये किस डिप्टी गवर्नर के अंडर में आता है तो वो भी पूछा जा सकता है एग्जाम में श्री रविशंकर आप ये देखिए यहाँ पे थर्ड डिपार्टमेंट जो मैंशन किया गया है नहीं इसके ऊपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थर्ड भी इनके पास ही है आर टी आई और ये फिन टेक डिपार्टमेंट जो है सेवंथ भी इनके पास है तो आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है मालूम होना चाहिए यह बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है विच कंट्री विल लॉन्च गोल्ड पैक्ड डिजिटल करेंसी एंड लीगलाइज देम इन द कंट्री ये न्यूज़ में था और ये जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो सेंट्रल बैंक के हिसाब से और ये कन्फ्यूज करेगा आपको करके देखो करके देखो जिम्बाब्वे आंसर है और यहां पर आपको देखना है कि ये हमने लिया है बीपीडिया से बीपीडिया डाउनलोड करते रहो पढ़ते भी रहो केवल डाउनलोड करने से नहीं होगा डिवेलुएशन क्या होता है ये भी समझा दिया इसमें और ये जिम्बाब्वे की हालत क्या है ये शायद आपको पता ही होगी कि वहां तो बैग में भर के पैसे ले जाते हैं तो सब्जी आती है क्योंकि उनकी लोकल करेंसी की तो हालत खराब ही है ज्यादातर वहां पे डॉलर की वैल्यू है इतना उन्होंने डिवेल्यूएट किया इतना डिवेल्यूएट किया कि भरोसा ही उठ गया करेंसी से आरबीआई रिसेंटली इम्पोज फेबरल रेस्ट्रिक्शन ऑन इंडियन मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक अब ये कहाँ पर हेडक्वार्टर है ऐसा प्रश्न तो गई उसका सीएमडी कौन है वो भी आ सकता है तो जो भी आप न्यूज पढ़े बीपीडीआई में पढ़े तो ध्यान से पढ़े और भी कहीं पढ़े तभी भी डिटेल में जाए तो ये बैंक हेडक्वार्टर है लखनऊ में इम्पोज पेनल्टी ऑन जोर जोरोस्टियन बैंक इंडियन मर्केंटाइल बैंक एंड भारत कोऑपरेटिव बैंक ये दो बैंक हैं मैंने एक ही पर प्रश्न पूछा है राइट अब प्रश्न दूसरे पर आ जाए बाकी डिटेल में तो आप वो भी जरूर पढ़ लीजिए वट इज द पर्पज पर ऑफ स्टॉक बाईबैक अगर आप मेरे ये वीडियो को ध्यान से सुन रहे होंगे मैंने पिछले एक दो वीडियो में कहीं भी डिटेल में समझाया था कि ये बाईबैक करती क्यों है कंपनियां और अगर समझ में आ गया होगा तो इस समय आप आंसर कर लोगे नहीं तो आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो तो इंक्रीज द नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग और डिक्रीज द नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग सॉरी शेयर आउटस्टैंडिंग इंक्रीज द डिविडेंड डील डिक्रीज द डिविडेंड डील इंक्रीज द प्रॉफिट तो भाई बहुत सिंपल है अगर बाईब होगा तो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर हो जाएंगे कम कब होता है देखिए तीन इंपॉर्टेंट रीजन है जब कंपनी बाईबक करती हैं तो कंसोलीडेट ओनरशिप उनने कहा बहुत ज्यादा लोगों के पास हो गई ओनरशिप बहुत सबके पास हो गई शेयर हम बाईबैक कर लेते हैं खरीद लेते हैं दूसरा वेन इज ए मार्केट पेसिमिज्म कंपनी यूज बाई बैक टू इंक्रीज इक्विटी वैल्यू मतलब मार्केट सोच रही है डल है इस स्टॉक को खरीद नहीं रही है उन्हें लग रहा है कुछ नहीं कर रही है कंपनी में कुछ खास नहीं है तो मार्केट डल है तो कंपनी को लगता है कि नहीं मेरा जो शेयर है अगर मार्केट में पांच सौ रुपये में बिक रहा है मेरे को पता है कि आई डिजर्व सात सौ रुपया आठ सौ रुपया वट एवर मतलब मेरी जो इंटरेंजिंग वैल्यू है वो ज़्यादा है तो हम डिजर्व करते हैं ज़्यादा फ्यूचर में ये बढ़ेगा कंपनी खरीद लेती है बाईबैक कर देती है और उससे जो मार्केट में सेंटिमेंट है स्ट्रांग हो जाता है कि कंपनी अपना शेयर वापस खरीद रही है मतलब ये शेयर बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं बैक बाईबैक कैन मे कंपनी लुक मोर फाइनेंशियली हेल्दी अब बाईबैक करेगी कब कंपनी भाई बाईबैक करने मतलब समझ रहे हो आप उसको कैश देना पड़ेगा ना पैसे देने पड़ेंगे उसके बदले तो पैसे कहाँ से देंगे पैसे होंगे तभी तो देंगे तो फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनी ये कर सकती है कॉन्फिडेंस बढ़ता है ये प्रश्न आपको आंसर करना है कुछ ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पिलर ऑफ पार्सल थ्री आसान है समझ में आ जाए तो मतलब कर पाओ तो आसान है नहीं तो आर का एग्जाम तो आसान नहीं है प्रैक्टिस करते रहिए मॉक टेस्ट देते रहिए और मॉक टेस्ट हमें आपको अर्न करने पड़ेंगे लेकिन अर्निंग की स्कीम बहुत अच्छी है जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करो उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग हो जाएगी मॉक टेस्ट की करोगे करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा बिलीव इन योर सेल्फ एंड गेट सक्सेस हमारे लिए कोई प्रश्न हो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क ऑल द बेस्ट